भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार की, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकालेगी, जिसको लेकर के आज संगठन ने यह यात्रा पर विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद मोदी जी ने देश की परंपरागत चली आ रही राजनीति को, जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, मत और मजहब के दायरे में कैद होकर के रह गई थी, उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब कल्याण के लिए और एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया, आज वह प्रत्येक नागरिक की जवान पर सुनते हुए मिलता है। कुछ आश्चर्य कविया भगवान में किसी व्यक्ति के पास से पूछता है तो भले ही राजनीतिक दलों के लोग ना बोल रहे हो, लेकिन एक कॉमन में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की मुक्त कंठ से सराहना करता है। जितना कार्य हुआ है और जो उपलब्धियां हासिल की है, स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाना, राज्य सरकार के द्वारा उन योजनाओं के साथ जुड़ना और जुड़ने के साथ साथ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करना। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश इन सभी योजनाओं में 17, 25, 30 या 36वें स्थान पर रहता था, आज केंद्र सरकार की लगभग 50 ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश के पास जो शक्ति है उपलब्धियों का मतलब उत्तर प्रदेश ने उतने लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक योजनाओं को पहुंचाया है। जो एजेंडा होगा शाम को बैठक समापन पर आपको प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। जो भी होगा शाम को दिन भर की बैठक के बाद आपको सारी सूचना प्रदेश अध्यक्ष जी शाम को देंगे। अभी आज इस समय बैठक का उद्घाटन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, माननीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी जी ने उद्घाटन किया है, हम सब लोग मौके पर उपस्थित। मायावती जी लगातार आरोप लगा रही बेरोजगारी को लेकर लेंगे दलितों और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। धन्यवाद। देखिए जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, आज पूरे प्रदेश का वातावरण भाजपा में बना है। अपने किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक महाअभियान हमारे निचले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पहले से कर रहे हैं। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं और सभी नेता अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे सहयोगी रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर रहे थे। रजनीश, सबसे पहले जानकारी यहां पर आपसे बैठक को लेकर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से बैठक हुई या किस तरीके से यह बैठक अहम थी और किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई।
देखिए बैठक लगातार चल रही है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की आज मैराथन बैठक हो रही है उसमें मेन एजेंडा यात्रा को लेके थे, क्योंकि जो भी यात्रा आज तक निकली है अगर सियासी यात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को लगता है कि इस प्रकार की यात्रा से चुनाव में बड़ा लाभ होता है। बीजेपी की जो ये अति महत्वाकांक्षी यात्रा है जिसमें केंद्रीय मंत्री हरेक यात्रा में शरीक होंगे उसको लेके बैठक थी, और बैठक का जैसे कि डिप्टी सीएम ने भी कहा कि जो एजेंडा होगा शाम तक बताया जाएगा, लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 7 दिसंबर को यात्रा निकाली जा सकती है, क्योंकि चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके लेके ये दिक्कतें थी कि अगर केंद्रीय मंत्री का ड्यूटी लगती है तो किस हिसाब से लगाया जाएगा, तो ये तो तय है कि केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में ही यात्रा निकाली जाएगी। तो इस यात्रा पे सरकारी पार्टी कहले या सरकार कहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ढेर सारी उम्मीदें हैं, और साथ ही विपक्ष भी निगाह लगाया हुआ है कि आखिर इनके बैठक में मीडिया के माध्यम से इनका एजेंडा क्या होता है। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के मूड में है, और पटखनी तभी देंगे जब उनकी रणनीति को इनको पता होगी कि इनकी रणनीति की काट क्या होगी। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो मुख्य विपक्षी दल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सारे लोगों की नजर बनी हुई है तो इनके बैठक के एजेंडा क्या निकल के आता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा और ये तय भी है कि बैठक का एजेंडा यात्रा ही है और यात्रा पर ही सहमत बनानी है। जी रजनीश, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि विपक्ष को जवाब देने में क्या कोई फॉर्मूला तय किया गया या क्या इस विषय पर बात हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं हावी जो है इस वक्त सरकार पर दिख रहा है, लगातार चारों ओर से विपक्ष ने घेर रखा है। देखिए विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, चाहे विधानसभा सेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो, सदन में सड़क से लेकर सदन तक का सियासी पार्टियां लगातार सरकार का हर एक मुद्दे पर विरोध करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर और सरकार से बेहतर है, तो वही विपक्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट लेके सामने बैठ जाता है कि साहब देख लीजिए 2017 से लेकर 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट, कहीं ना कहीं जो इनका सबका साथ सबका विश्वास उस पर भी इन लोगों का तंज होता है कि केवल कुछ लोगों का विकास हुआ जो पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती रही है। रही बात जीरो टॉलरेंस की, तो जीरो टॉलरेंस पे आम आदमी पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक धमक बनाना चाहती है, उनके नेता समय समय पर चाहे जल संसाधन मंत्रालय का मामला हो, बेसिक विभाग का मंत्रालय रहा हो, तो कुल मिला के जो इनका संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी सरकार काम करेगी, सबका साथ सबका विश्वास होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी बड़ा मुद्दा है। चूंकि आप सरकार में रहते हो तो आपके पास भी जीरो टॉलरेंस और करप्शन और कह सकते हैं कानून व्यवस्था, ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सरकार का विरोध भी होता है, एंटी इनकम वैसी फैक्टर भी होता है कि विपक्ष भी इस कोशिश में है, चाहे विपक्ष का भी यह दाव लगाने के है कि 2022 की जो सरकार बने हमारी सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर कोशिश है कि 2022 की सरकार की पुनरावृत्ति हमारी हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उसके बाद होगा 2024 का, जिसमें तो तय है कि जिसकी उत्तर प्रदेश होगा उसी का दिल्ली होगा, तो सारे सियासी दल इस ताक में है कि उत्तर प्रदेश हमारे कब्जे में रहे, भारतीय जनता पार्टी खासकर, क्योंकि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में, लोकसभा का चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, तो तय हो गया है कि अगला क्या होगा, उसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी रणनीति भी बना रही है। उसी समय ने पहले ही कहा कि 2022 में इनकी सरकार की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए सारे बड़े दिग्गज मैदान में आ गए हैं। जी बिल्कुल रजनीश, सरकार जो है एक बार फिर से चाहती है कि 2022 में सरकार वापसी करे, योगी सरकार पूरा दमखम यहां पर देखा भी जा रहा है, और 7 तारीख से जिस तरीके से यात्राएं शुरू हो रही हैं रजनीश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही होंगी, तो ऐसे में विपक्ष ने किस तरीके से अपनी कमर कसी हुई है, विपक्ष के पास प्लान बी क्या है? देखिए विपक्ष चुप नहीं है, विपक्ष लगातार जिस तरीके से रथ यात्रा इनकी विजय यात्रा निकाली जा रही है, चूंकि सदन में भी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और किसानों के मुद्दे पर खासकर चाहे हाथरस का मामला हो, लाइन ऑर्डर का मामला हो, प्रियंका गांधी की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में धमक बनी हुई है, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का जमीन नहीं है, हालांकि कांग्रेस के लगातार विधायक भी छोड़ के साथ जा रहे हैं, अभी आदित्य सिंह ने ज्वाइन किया, रायबरेली के ही
दिनेश सिंह के भाई जो एमएलसी हैं वो कांग्रेस पर निर्वाचित हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उनके अनुज राकेश प्रताप सिंह वो भी विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार टच में, औपचारिक केवल ज्वाइनिंग करनी है, नहीं तो वो लोग का भारतीय जनता पार्टी के साथी है। तो कहीं ना कहीं सारे दल लगे हुए हैं कि उनके उनके दल के लोगों को तोड़ के अपने पाले में लिया जाए। जैसे साफ उदाहरण है सीतापुर के समाज भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर, उनको तोड़ के समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाई तो भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। वो भी उनके विधायक गाजीपुर से आते हैं, चुन के पास ही उनको अपने पाले मिले और चार चार एमएलसी एक साथ तोड़ के बीजेपी ने मैसेज दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, साफ तौर पर राजनीतिक उठापटक जो है वो इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं इसी बीच दो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चुनाव संचालन समिति की बैठक की और बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है वो भी पूरे जोरों शोरों पर इस वक्त जारी है। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव संचालन समिति की ये बैठक हुई और बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है लगातार जारी है। लगातार तमाम बड़े नेता जो है वो दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं।